आज चापल रोड के ऊपर स्टैनली डिग्री कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ के कुछ लोग जो स्टूडेंट एग्ज़ाम लिखने आए थे उनको बताया कि बुरखा उतार कर एग्ज़ाम लिखो बोल के। इसकी चला सदर मोहतरम नखब मिलत अलहाज बरेशर असदुद्दीन अवैसी साहब को मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे यहाँ पर भिजाए और हमने यहाँ के मैनेजर साहब से बात किए और उन्होंने बोले कि कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहते हैं, आइंदा इसकी शिकायत नहीं आएंगी बोले। और जो स्टूडेंट्स को बोले थे हम उनसे भी मिले और उनको भी यही बताया गया कि आप बुरखा उतार कर एग्ज़ाम लिखिए बोल के। तो आज सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर जो मैं यहाँ पर आके मिला, पूरे स्टाफ से बात किया और प्रिंसिपल मैडम से बात किया और ख़ास तौर पर जो इस कॉलेज के मैनेजर है उन्होंने ये वाक़े के लिए माजरत भी चाही कि आइंदा ये शिकायत देंगी बोल के। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है हमेशा 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है, जब कभी भी आवाम को तकलीफ़ होती है बर वक्त आवाम के बीच में पहुँच कर आवाम के मसले को हल करती है। तो मैं आज यहाँ पर आया और आकर मिला और उनको पूरी तफसीली बताई गई और 4 दिन यहाँ पर एग्ज़ाम है और उन्होंने यहाँ के कॉलेज के ज़िम्मेदारान ने कहा कि साहब कोई किस्म का यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे बुरखे के ताल्लुक से, बताया गया। शुक्रिया, खुदा जी। मेरा नाम जुवेरिया है। हम लोग को बुरखा उतारो बोल के बोल रहे, एग्ज़ाम लिखने आए थे जब भी बोले उतारो बोल के, यहाँ पे आयामा बोल के है उन्होंने बोल रहे थे यहाँ पे स्टाफ बुरखा उठा के बिठा नहीं सबको बोले, सब जने अच्छा उतार के बैठे नहीं उतारते हुए तो नहीं उतारो बुरखा बोल के बोले। हम लोग अब तक जो भी सेंटर्स में जाके एग्जाम्स लिखे थे अब तक कहीं भी बुरखा उतारने का नहीं था, फर्स्ट टाइम ये कॉलेज में उतारो बोल के बोल रहे बुरखा, ये फर्स्ट टाइम है जी। हम लोग अब सेकेंड ईयर में अब तक दो सेमेस्टर्स लिख दिए, ये थर्ड सेमेस्टर्स के टाइम पे बुरखा उतारो बोल के बोल रहे ये लोग। हमने दो जगह भी सेंटर गिरा, बदलामारी में भी गिरा, शादन में भी गिरा, ऐसा बुरखा उतारो बोल के स्ट्रिक्टली नहीं बोले, ये इस कॉलेज में स्ट्रिक्टली बोल रहे कि बुरखा निकाल के एग्जाम लिखो बोल के। हम लोग जी नहीं करे क्यों बताओ, सब जने उतारे बोल के हम लोग कैबिन करीमा वहाँ पे। मेरा नाम शाइस्ता कोनेन है, तो मैं कंप्लेन करी कि सब जने प्रेशराइज होके बुरखे निकाल के क्लासेस में जाके एग्ज़ाम लिखना भी शुरू करे, मतलब ये ब्लैकमेल कर रहे थे कि उन लोग को एग्ज़ाम नहीं लिखाते, जबकि मेरे को फिर 1 आवर के बाद लिखा है एग्ज़ाम बुरखे पे ही, तो अब सबको ब्लैकमेल कर रहे थे कि हम एग्ज़ाम नहीं लिखाते फेल हो जाते, बैकलॉग आ जाता आप लोग को, इस तरह से बोल रहे थे, तो पूरे लोग बुरखा निकाल के ही एग्ज़ाम लिखे। फर्स्ट डे तो ऐसी हुआ, मैं भी लिखी थी, सेकेंड डे मैं आवाज़ निकाली, 1 घंटा बाहर थे रही मैम, तो फिर उन लोग ही आके रिक्वेस्ट करा, मैं बोली थी कि मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं लिखती एग्ज़ाम, पर बुरखा सब लोग पहनना, किसी को भी प्रेशराइज नहीं करना आप बुरखा, ये कॉलेज का स्टैनली डिग्री पीजी कॉलेज। एक रिक्वेस्ट है सर, हम आपकी बात से एक्सेप्ट करते हैं सर, लेकिन आप वो जो मैडम जो अगर बिहेवियर है उन्होंने जो लेटर पूछे, आप
एग्जाम जब तक होंगे आप कॉलेज से उनको बाहर होंगे, एक रिक्वेस्ट है, क्यों बनेंगे या नहीं तो उनको बोलो कॉलेज रेवन रेड्डी का लेटर चाहिए बुरखा उतारने के लिए विदाउट बुरखा पहन के देने के लिए, या तो उनको एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐसा लेटर बताइए जो आप बुरखा उतार के एग्जाम देना है गवर्नमेंट का। अभी जो होगा होगा नैंदा अगर आपको लेके आके तुम्हें